खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां बाराबंकी में लाठी डंडों से पीट पीट कर 20 वर्षीय युवक की हत्या की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। परिजनों ने 4 लोगों पर हत्या का आरोप भी लगाया है। सुबेहा थाना क्षेत्र के ओहरामो गांव का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल घटना स्थल पर एडिशनल SP सहित भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि सुबेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत ओहरामो गांव में 20 वर्षीय युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना स्थल पर ASP सहित पुलिस बल मौजूद है। फिलहाल इस मामले पर बाराबंकी अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी मनोज कुमार पांडे ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। थाना सुबेहा का ये गांव ओहरामो है। यहां के रहने वाले दीपक यादव, जिनकी उम्र लगभग 30 साल है, ये इंदौर में पहले रहते थे, कोरोना काल में यहाँ आ गए। और इन्हीं के गांव का एक किशन यादव है, ये भी इंदौर रहता था। और कल रात में इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ। बताते हैं कि दीपक का इनकी वाइफ के साथ कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, और ये लोग यहाँ पर ये आया किशन जब, तो ये यहाँ पर मिला। और पहले से भी कुछ इनकी इसी मामले को लेकर कहा सुनी हुई थी। फिर यहाँ पे इन्होंने इसको मारा पीटा। मारने पीटने के बाद इसमें सिर में भी कुछ चोट आ गई थी, और इन्होंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी, न तो मृतक को ये हॉस्पिटल ले गए। और बताते हैं कि वो सुबह तक होश में था, बातचीत भी कर रहा था। और सुबह करीब 6 बजे इन्होंने थाने सुबह को सूचना दी। सूचना पे तत्काल सुबह पुलिस मौके पे पहुंची, फोरेंसिक टीम भी आ गई है और बॉडी का परीक्षण कर लिया गया है। और तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और अभी एक अभियुक्त की और आरोपी की तलाश की जा रही है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।